गाइस वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे ये नैब बार जो नेविगेशन ड्रॉयर है इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो है लीडिंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है, टाइटल सबटाइटल इसको कैसे आपको देना है वो हमने सीखा था। उसके पहले वीडियो में हमने ऐप बार रिलेटेड जितनी चीजें वो हमने कंप्लीट करा था, वेब भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बार के बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, यहाँ पे व्हाट्सएप जैसा एक आइकन होता है जिसको क्लिक करने से कुछ फंक्शन काम करता है, जो आप फंक्शन देंगे वो काम करता है। तो हम उसी का डिजाइन देखेंगे आज की कैसे इसको हम कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि हमारा जो कोर्स है रेनफ्लेयर वो अभी प्ले स्टोर पे लाइव है, ठीक है। आप रेनफ्लेयर ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें आप बहुत ही कम पैसों देकर यहाँ पे आप बहुत सारे जो प्रीमियम कोर्सेस है वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट हमने यहाँ पे फुल कोर्स कवर किए हैं और यहाँ पे हम कोडिंग नहीं सिखाए, इसके अंदर बहुत ईजी वे में आप बनाना सीखेंगे। और ये सीखने के बाद आप किसी आपके क्लाइंट को सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने ये भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कवर किया है मल्टी वेंडर फूड डिलीवरी एप्स, ठीक है। ये देखिए 4200 रुपीज में ये हमने बनाना सिखाया है, जो कि हम सेल करते हैं 14,000-15,000 रुपीज के आसपास के प्राइस में, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ऐप डेवलपमेंट का हो गया। इसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज ब्लॉग वेबसाइट बहुत सारी चीजें हमने कवर करा है, लॉटरी वेबसाइट, कंपनी का प्रोफेशनल जो वेबसाइट होते हैं, फ्रीलांसर के लिए वेबसाइट, तो बहुत सारी चीजें हमने कवर करा है इस पूरे कोर्स के अंदर। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये सीख जाने के बाद ये आपका मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका एक एसेट बन जाएगा जो आप बेच सकते हैं मार्केट में और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स बाय करने में तो आप जरूर से ये ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए ये हमारे जो रेनफ्लेयर ऐप है इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए और कोर्स में एनरोल होना बहुत इजी है। यहाँ पे आप पहले कोर्स का फीस देख लीजिए, यहाँ पे वॉलेट में आके डिपॉजिट कर लीजिए मनी, उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, ठीक है। एनरोल हो जाने के बाद आप प्राइवेट में ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कम बैक टू द टॉपिक, तो आज हम जो बताने वाले हैं कि एक फ्लोटिंग एक्शन बटन को कैसे बनाते हैं। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन को बनाने के लिए तो यहाँ पे हम चले जाते हैं स्कैफोल्ड के बाद, यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन आ जाएगा आपके सामने, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन के साथ यहाँ पे आपको आ जाएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन कहाँ पे लगाना है, तो एंड में फ्लोट करना है, मतलब कोने में, राइट नीचे कॉर्नर में। तो इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब यहाँ पे गोलन देखे फिर से हमें लिखना पड़ेगा फ्लोटिंग, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉयर जो स्कैफोल्ड है स्कैफोल्ड के अंदर ही जो करना है इसके अंदर ही करना होगा। तो यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेंगे, तो फिर से हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन का लोकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन पे क्लिक करेंगे, फिर डॉट देखें यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि कौन से जगह पे आपको करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में आ जाएगा, तो जो आपको सही लगता है तो उस टाइप का आप दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एंड में करना है, तो यहाँ पे आप एक एक करके देखिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखें एंड डॉट मतलब ये ऊपर में होगा, नीचे मतलब एकदम नीचे आ जाएगा ये नैब बार के यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप में आप अगर रखेंगे तो टॉप में ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एंड फ्लोट हम करेंगे क्योंकि हम इधर पे जाते हैं, तो इसमें हम एंटर दबा देते हैं। तो इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा फ्लोटिंग एक्शन बटन और यहां पे हमें ऑन प्रेस का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया, अब यहां पे ऑन प्रेस का मेथड क्रिएट करेंगे। ऑन प्रेस में मतलब प्रेस होने के बाद ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन बन रहा है ये प्रेस होने के बाद क्या होगा, तो अभी के लिए हम टारगेट को ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक रखने के बाद तो ये हमने सेव कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो इसका एरर का ये रीजन है क्योंकि हमने एक ब्रैकेट यहाँ पे मिस कर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, इसको हम फिर से सेव कर देते हैं। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है ऐप के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड कलर का ये शेप में यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो ये कलर जो है इसको अगर आपको चेंज करना है एंड इसके अंदर आपको अगर कोई बटन का इमेज वगैरह कुछ डालना है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इसके अंदर हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का लोगो लगाने कैसा लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इसके बाद हमें एक चाइल्ड यहाँ पे लेना होगा, चाइल्ड में हम क्या करेंगे चाइल्ड के अंदर आइकन लेंगे और आइकन यहाँ पे सेट करेंगे, डॉट यहाँ पे हम व्हाट्सएप का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ ये रहा व्हाट्सएप। तो इसको हम अभी सेव करते हैं, तो सिंक हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप वाला बटन यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप का भी आइकन लगा दिया है, अब ऐप को पूरा रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हमने नेविगेशन ड्रॉयर भी बना लिया, यहाँ पे व्हाट्सएप बटन भी लगा लिया, बट ये बटन है बट ये काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ऑन प्रेस में हमने कोई मेथड नहीं डाला है, ठीक है। तो इसको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे फ्लटर वाले जो प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस करिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप फ्लटर को कंप्लीटली सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हम पीएचपी लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर और एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर भी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हम लाएंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।